निकालने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि 25 तारीख को जो दम धर्म सभा का आयोजन है उस धर्म सभा के आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हरैया से निकले, क्योंकि हरैया हमारी अयोध्या के बाजार की विधानसभा है, इस पार उस पार दोनों तरफ हरैया है, इस नाते ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे। और मैं समझता हूँ कि पूरी हरैया से कम 1 लाख आदमी जाने को तैयार है, हर कोई हर घर से, अगर देखिए हर घर से हर व्यक्ति जाने के लिए तैयार है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है कि अन्य हिंदू संगठनों का कार्यक्रम? ये पार्टी से मतलब नहीं है, कि हिंदू धर्म की आस्था का मतलब है। इसमें अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में राम को नहीं मानता, क्या वो राम का नाम नहीं लेता? क्या उसके घर में रामचरितमानस नहीं है? क्या वो रामायण रामलीला नहीं देखता है? क्या उसके यहाँ 24 घंटे का रामायण नहीं होता, गीता नहीं होता? क्या जो था वो जाता नहीं? ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय है पूरी दुनिया में फैले हुए हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, उनका दिव्य भव्य मंदिर बनना चाहिए। क्या सर ये माना जा सकता है कि 25 नवंबर को वहाँ आधारशिला जन्मभूमि की रखी जाएगी मंदिर की? देखिए मैं इसके बारे में अतिरिक्त नहीं हूँ बात करने के, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि 25 तारीख को मैं विधायक होने के नाते नहीं, मैं हिंदू होने के नाते अयोध्या जाऊँगा। और मेरा उद्देश्य है कि निश्चित रूप से अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण होना चाहिए। अगर मक्का में इस्लाम का आस्था का केंद्र है, अगर यरूशलेम में ईसाई यहूदियों का सबका अपनी आस्था का केंद्र बिंदु है, क्या भारतवर्ष में अयोध्या भगवान श्री राम की उद्भव स्थली है, उनकी जन्मभूमि है, क्या वहाँ हमारा कोई आस्था का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए? क्या उनके भी कोई देवी देवता, उनके भी कोई आस्था के केंद्र बिंदु आज भी जो है टेंट में है? क्या निश्चित रूप से राम मंदिर बनना चाहिए।